Although state-level poverty has been witnessed a secular decline from the levels of early 70s, ये जो स्टेट लेवल पे पॉवर्टी है अब इसमें धीमे धीमे कमी आ रही है. जिस तरह से कि पहले अर्ली 70s में उसका लेवल था, अब उससे काफी हद तक कमी आई है. द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ये जो सक्सेस रेट है कि अब पॉवर्टी में कमी आ रही है, ये अलग अलग है स्टेट के अकॉर्डिंग. रिसेंट एस्टिमेट शोज दैट इन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन द नेशनल एवरेज. जो अभी नए एस्टिमेट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें जो पॉवर्टी का रेशियो है वो हमारी नेशनल एवरेज उससे देखा जाए तो काफी कम है. ऑन द अदर हैंड पॉवर्टी इज स्टिल अ सीरियस प्रॉब्लम इन उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश. दूसरी तरफ पॉवर्टी यानी जो गरीबी है ये एक बहुत सीरियस समस्या है उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में. एज द ग्राफ 3.2 शोज उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी द टू poor states with the poverty ratios of 47 and 43% respectively. अगर ग्राफ देखें 3.2 तो यो ये बताता है कि जो उड़ीसा और बिहार हैं वो सबसे poorest states हैं क्योंकि वहाँ पर जो गरीबी का रेशियो है वो लगभग 47 और 43% है. Along with the rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. Rural poverty तो है ही है, urban poverty भी बहुत ज़्यादा है इन जगहों पे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में. In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal. पर अगर इन्हीं स्टेट से दूसरे स्टेट्स को कंपेयर किया जाए जिसमें से आते हैं केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो है पॉवर्टी का काफी हद तक कमी आई है. States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rates. पंजाब और हरियाणा जैसे जो स्टेट हैं, वहाँ पर वो लोग गरीबी इसी वजह से कम कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने जो अपना एग्रीकल्चरल ग्रोथ था उसको काफी हद तक बढ़ा दिया है. केरला हैज फोकस मोर ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. और केरला जो है उसने ज्यादा फोकस किया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए जिससे कि क्या कहते हैं पॉवर्टी लोगों को काम मिलेगा और उससे पॉवर्टी कमी आएगी. इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव बीन हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी. वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म के स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे पॉवर्टी में कमी आई है. इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है कि ये जो पीडीएस चल रहा है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है फूड ग्रेन्स का वो भी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट के लिए जिम्मेदार है. ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो. The proportion of the people in developing countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1 per day has fallen from 28% in 1990 to 21% in 2001. अब अगर लोगों का proportion देखा जाए इन developing countries में जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब उसमें रहती हैं, तो जैसा World Bank कहता है उसके अनुसार जिनकी एक तरह से income $1 से भी कम है वो अब काफी उसमें कमी आई है क्योंकि 1990 में जो उसका रेशियो 28% था पर अब वो जो है 2001 तक आते आते सिर्फ 21% रह गया है. Although there has been a substantial reduction in global poverty. ये भी मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो पॉवर्टी की एक जैसे था ना कि पूरी दुनिया में गरीबी है अब उसमें काफी हद तक कमी आई है. इट इज मार्क्ड विद द ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. और ये जो है रीजनल डिफरेंसेस की वजह से है, मतलब अलग अलग एरियाज की वजह से है. पॉवर्टी डिक्लाइंड सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. पॉवर्टी की कमी जो है अगर चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज में आई है तो उसका वो जो रीजन है या रिजल्ट है वो मेन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हुई और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट्स में. नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 606 मिलियन इन 1981 टू 212 मिलियन इन 2001. जितने भी गरीब लोग थे चाइना में उनकी संख्या 1981 में लगभग 606 मिलियन थी जो कि 2001 तक आते आते सिर्फ 212 मिलियन रह गई. इन द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश भूटान द डिक्लाइन हैज नॉट बीन एज रैपिड. बाकी जो कंट्रीज हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं जिसमें आता है इंडिया पाकिस्तान चाइना श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश भूटान, यहाँ पर भी कमी आई है पर उतनी जल्दी जल्दी नहीं आ रही है. Despite decline in the percentage of the poor, the number of the poor has declined marginally from 475 million in 1981 to 428 million in 2001. परसेंटेज तो कमी आ रही है गरीबी में लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल हैं गरीब लोग जो इतने हैं उनकी संख्या जो है बहुत धीमे धीमे कम हो रही है. जैसे कि पहले थे अगर 1981 की बात करें तो 475 मिलियन गरीब थे और जो 2001 में भी सिर्फ 428 मिलियन तक ही पहुंच पाए.
Because of the different poverty line definition, poverty in India is also shown higher than the other national estimates. जब अगर अलग अलग पॉवर्टी लाइंस की डेफिनेशन रखी गई हैं, तो उस हिसाब से जो इंडिया में गरीबी है वो बाकी सब उसमें जितने भी नेशनल एस्टिमेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा है.